नमस्कार साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम रामपुर में हैं और रामपुर का जो चुनावी मुकाबला है बड़ा रोचक है। मेरे साथ कुछ भाजपा कार्यकर्ता हैं इस समय। आइए जानते हैं इस समय बीजेपी की क्या स्थिति है रामपुर में और किन मुद्दों को लेकर बीजेपी चुनाव में जा रही है। जी आपका शुभ नाम? साहिल अरोड़ा। जी साहिल जी, इस बार रामपुर के मुद्दे क्या हैं? क्या रामपुर में फिर से 1996 वाला इतिहास दोहराया जाएगा? रामपुर में आप सब विकास चाहते हैं, फैक्ट्रियाँ चाहते हैं, बेरोजगारी खत्म करना चाहते हैं, सड़कों का पहले से भी था अब भी हो रही है विकास जी, अब उद्योग चाहते हैं, वो सिर्फ हनी भैया ला सकते हैं, उनके अलावा कोई नहीं ला सकता। और इस बार रिकॉर्ड तोड़ वोटों से हनी भैया के इतिहास लिखने जा रहे हैं पूरे यूपी में जी। और अगर बात करें रामपुर की तो बीजेपी यहाँ पे बड़े जोर शोर से चुनाव लड़ती रही है, लोकसभा का भी हमने देखा किस तरीके से लड़े थे, लेकिन चुनावी जीत नहीं हासिल कर पाती है। देखिए, जो कमियां गाई जाती हैं उसके ऊपर मंथन किया जाता है, फिर उन कमियों को सुधारा जाता है। जैसे एक बच्चा होता है अपना एग्जाम देता है, कई बार उसको मार्क्स उसके सेटिस्फेक्शन के अकॉर्डिंग नहीं मिल पाते हैं, फिर वो वैसी तैयारी करके अपना अच्छा अटैम्प्ट करता है, इस बार हम और अच्छा अटैम्प्ट करेंगे जी। और इस बार क्या रामपुर में ध्रुवीकरण साफ नजर आ रहा है? आपको लगता है कि जो अभी आजम खान है उनके साथ एक समाज है और बीजेपी के साथ दूसरा समाज है? आजम खान कौन है? आजम खान को तो सब भूल चुके हैं, वो तो भूमाफिया है, वो नेता नहीं है, वो गुंडा है, वो जेल में है जी। अब सिर्फ और सिर्फ हमारा मुकाबला किसी से नहीं है, एक तरफा पोलिंग है, सब लोग भाजपा के समर्थन में हैं, आकाश जी के समर्थन में हैं, उनकी ईमानदारी के प्रति सब लोग उनके समर्थन में वोट कर रहे हैं 14 फरवरी को। हमारा मुकाबला रामपुर में किसी से नहीं है, हम भाजपा यहाँ जीत चुकी है। लेकिन एक चीज आरोप लग रहा है कि लोग जो दूसरा पक्ष है वो सहानुभूति अर्जित करना चाह रहा है कि आजम खान के ऊपर 100 मुकदमे ठोक कर उनको अंदर करा दिया। 20 साल पहले जो रिक्शा चलाता था आज भी वही रिक्शा चला रहा है, कुछ नहीं हुआ रामपुर के अंदर, सारा कारोबार ठप पड़ा हुआ है, ट्रांसपोर्ट लाइन आज तक नहीं बनी, ट्रांसपोर्ट खत्म करने वाली ही समाजवादी पार्टी है रामपुर के अंदर, बहुत बड़े घोटाले हैं। इसलिए सब लोग निस्वार्थ सेवा के साथ हनी भाई के साथ है और उनका इलेक्शन लड़ा रहा, उनको जिताकर ही विधानसभा भेजेंगे जी। आपको भी लगता है कि इस बार बिल्कुल इतिहास बदल जाएगा? 9 बार के जो यहाँ से चुनाव जीत चुके हैं 10वीं बार नहीं पहुँच पाएंगे? 100 में 100 इस बार कोई चूक नहीं है। आज रामपुर जिले का हर युवा भारतीय जनता पार्टी के साथ है और रामपुर शहर का हर युवा, हर बुजुर्ग, हर बहन जिसकी सुरक्षा का वायदा भारतीय जनता पार्टी ने किया और सुरक्षा की है, आज हर बंदा भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है। एक तरफा वोटिंग होने वाली है और तय है भारतीय जनता पार्टी की जीत तय है और 300 से ज्यादा सीटें आना भी तय है जी। और अगर हम बात करें, योगी जी ने आज फिर से कहा कि डबल इंजन की सरकार का जो फायदा था रामपुर को नहीं मिला, आपको लगता है कि यही कारण? नहीं, अब के 3 इंजन की सरकार का मिलेगा। अच्छा, क्योंकि आकाश सक्सेना जो है यहाँ से जीत रहे हैं तो 3 इंजन की सरकार बनेगी। हाँ, और रामपुर में जो है आप लोगों को ये पता होगा कि आजम खान 9 बार जीता है, मगर किसी मीडिया को नहीं पता है कि आजम हारा भी है। नहीं, वो अलग बात है, वो आजम खान के दाहिने हाथ होते थे सबसे पहले डॉक्टर अखलाक जो इनके साथ के पड़े हुए थे, वो पीआरओ बने, वो अच्छे इंसान थे, नेक इंसान थे, उन्हें हटा दिया गया। फिर दाहिना हाथ बने फिरासत पोकी, वो मोहल्ला नाला पार मेरे मोहल्ले से आज तलक आज़ादी के बाद सभासदी जिता नहीं पाए हैं, मोहल्ला नाला पार से एक बार भी सभासदी दाहिना हाथ अपने उन्होंने फिरासत पोकी को खड़ा करा था, वो भी हारा जी। तो आप ये जीतने की बात तो ये जनता का ध्रुवीकरण कर देते हैं बोल के हिंदू मुस्लिम और ये करके, तो इसमें अपने ले जाते हैं, जनता बहक जाती है, यहाँ की जाहिल आवाम है वो बहक जाती है और वो वोट कर देती है। मगर अब परिस्थितियाँ अलग हैं, जितने मुसलमान वहाँ हैं उनसे ज़्यादा हमारे साथ हैं और परिस्थितियाँ अब जो हैं हमारे विपरीत नहीं है, हमारे साथ हैं। अभी आपने हिंदू मुस्लिम की बात करी, लेकिन बीजेपी पर भी तो आरोप लग रहा है कि हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि अयोध्या सजा दिया है, अब काशी सजा दिया, मथुरा सजाएंगे, बात अच्छी ही कर रहे हैं, भारत माता को डाइन नहीं कह रहे हैं, हिंदू मुस्लिम नहीं फैला रहे हैं। मुजफ्फरनगर कैराना में इस आजम खान ने अपनी सरकार में 2 लड़के मरवा दिए जो अपनी बहनों को बचाने के लिए गए थे, ऐसा होना चाहिए क्या? जो भारत माता को डायन कहता है, रामपुर की जनता इस बार माफ करने वाली नहीं है और जैसे इतिहास गवाह है, जैसे राम ने रावण पे विजय प्राप्त की है, कृष्ण जी ने कंस पे विजय प्राप्त की है और ओबामा ने ओसामा बिन पे करी है, ऐसी आकाश सक्सेना आजम खान को हराने वाले हैं। ये सब एक राशि के थे और रामपुर में अभय गुप्ता जिलाध्यक्ष है, ये भी
हाँ तो ये सब हराने वाले हैं सब। हाँ एक राशि एक ही राशि वाले ने हराया है। आपने नई बात कही कि ओबामा ने ओसामा को हराया था तो ऐसे हाँ हराने वाले हैं। ये भी जो आतंकवादियों का समर्थन करे, जो आतंकवादियों की फंडिंग से जो यहाँ पे बग्गी लाए, मुलायम जी का जन्मदिन मनाए, तो ये उससे कम नहीं आतंकवादी से। हाँ मैं भारतीय जनता पार्टी जिला महामंत्री हूँ और मैं चैलेंज करता हूँ इस बार ये जेल में ही रहेगा और निकलेगा नहीं और हारेगा। इसे हारना है और जेल से निकल नहीं पाएगा ये। और ये भी इसका बेटा भी और ये राम राज्य हमारा देश राम राज्य की तरफ बढ़ रहा है। राम राज्य योगी जी को क्यों आना पड़ा? देश को जरूरत थी। सन्यासी को क्यों आना पड़ा? जब जब सन्यासी आए हैं देश का भला हुआ है। योगी जी आए हैं और अब राम राज्य की तरफ हमारा प्रदेश और देश बढ़ चला है और इसका तानाशाही का आतंकवाद का अंत होगा रामपुर में और लोग सुकून से रह सकेंगे, भाईचारे के साथ रह सकेंगे। आपको भी लगता है कि इस बार रामपुर में इतिहास नया रच जाएगा? जो जेल में हैं प्रत्याशी बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं वो हार जाएंगे? 1947 से आज़ादी के बाद हमने अभी तक भाजपा का परचम सिटी रामपुर शहर से कभी नहीं लड़ा, लेकिन ये इस इलेक्शन में हनी भैया एक इतिहास रचेंगे और भाजपा का भगवा रामपुर में फहराएगा। और आप ये समझ लीजिए भारी मतों से हम यहाँ से जीतने वाले हैं और हनी भैया एक इतिहास रचेंगे। जो हम आजम खां जो आज जेल में हैं, जिनको 26 फरवरी को सब तैयार हैं, सारे पार्टी के कार्यकर्ता भी तैयार हैं और हमारे साथ मुस्लिम भाई भी हैं। हमारे उपचुनाव में हमने 23,000 वोट उनका लिया था, ये रामपुर में ये भी एक इतिहास है और इस बार उससे ज्यादा ही मतों से हम जीतेंगे और ज्यादा हमें मुस्लिम भाइयों का भी वोट मिल रहा है, सब समाज का वोट मिल रहा है। और अभी देखा यहाँ पर 26 फरवरी को आजम खां को 2 साल हो जाएंगे जेल के अंदर और आरटीपीसी की आर की कोई भी धारा 108 मुकदमे इनके ऊपर ऐसी कोई धारा बची नहीं है जो लगी नहीं है और जमानत ये मांगते रहेंगे, जमानत मिलेगी नहीं। 10 साल की इन्हें सजा होनी है, 2 साल काट चुके हैं, 8 साल और हैं, वो भी जेल के अंदर रहना, इन्होंने बाहर नहीं आना। और ये सोच रहे हैं हम जेल में बैठ के इलेक्शन जीत लेंगे, कुछ नहीं देने इन्हें। रामपुर की जनता को रिक्शा बीड़ी और कारचोप इसके अलावा कुछ नहीं दिया। 40 साल से जो विधायक है और 5 साल से सांसद है वो एक फैक्ट्री या कोई कारोबार का कुछ तो लगा सकता था, उसने कुछ नहीं करा। अलावा फ्रॉडनेस के लोगों को बरगलाने के इलेक्शन आता है हिंदू मुस्लिम करके, वो मुसलमानों को अपनी तरफ करके भय दिखा के भाजपा का वोट ले लेते हैं और वो सोचते हैं कि हम जीत जाएंगे, कुछ नहीं है। बस बंद करा दी थी यहाँ एक रोटरी जो हॉस्पिटल था वो बंद कराया गया, वो जो कि सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, मेन सुविधा है यहाँ पे, यहाँ कोई सुविधा नहीं है हॉस्पिटल की, तो वो सुविधा बहुत जरूरी है, उसे खोलना बहुत जरूरी है। तो हम तो यही चाहेंगे कि हमारी सरकार हमारी विधायक यहाँ से जीते और वो हम हॉस्पिटल यहाँ वापस खुलवाएं। और महिला सुरक्षा को लेकर योगी सरकार बड़े दावे कर रही है कि महिलाओं के लिए रात को 12 बजे भी गहने पहनकर निकलना बड़ा आसान है, आप सहमत हैं? बिल्कुल, इस बात का उदाहरण है कि हम लोग यहाँ घूम ही रहे हैं रात को, कन्वेंसी यहाँ दिन में भी कन्वेंसी कर रहे हैं, खुलेआम हम लोग जा रहे हैं आ रहे हैं बिना उसके क्या कहते हैं, हम लोग खूब अच्छी सुरक्षा हमें मिली हुई है, कोई हमें डर नहीं है, हम खूब आराम से घूम रहे हैं। और हमने यहाँ पर रामपुर में भी दौरे के दौरान देखा कि खासतौर पे सिख समाज जो हमको दिखाई दिया, उनकी दुकानें हैं जो भी है, सबने बीजेपी का झंडा लगा लिया है। बीजेपी का झंडा नहीं लगा लिया, सिख समाज शुरू से ही भाजपा के साथ है, भाजपा की सोच के साथ है, हम उनकी सोच के साथ हैं जो हमारे गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी दिवस को मनाते हैं, ना कि उनके साथ जिनका जीवन औरंगजेब से प्रेरित है। मैं भी बताऊंगा सर, देखिए सर ऐसा है कि हमारे आकाश सक्सेना जी जो हैं वो आकाश से उतरे हैं, कहीं और से नहीं आए, रामपुर के अंदर आकाश से उतरे हैं। हमारे आजम खां जो हैं वो नटोर से आकर यहाँ जमे में वो पराए हैं, आकाश सक्सेना हमारे अपने हैं और उन्होंने जो कह दिया है वो करेंगे। और आज देखिए हमारी भारतीय जनता पार्टी ने रामपुर के अंदर क्या नहीं दिया, मुसलमानों को सबसे ज्यादा अनाज दिया, मुसलमानों को सबसे ज्यादा मकान दिए, मुसलमानों को सबसे आयुष्मान कार्ड बने, राशन कार्ड बने, आधार कार्ड बने, सबसे पहले मुसलमानों को सबसे ज्यादा सुविधा बैंक की दी गई है, जिसमें जीरो बैलेंस से खाते ले, मुसलमान के पास पैसा नहीं होता था कि खाता भी खुलवा ले या डाकखाने में जाकर अपना काम करा ले। आज सरकारी योजनाओं का पारदर्शिता के साथ लाभ मिला, आप भी कहना चाह रहे हैं कि बिल्कुल मिला, इतना लाभ मिला है कि इतना हिंदुओं को नहीं मिला, सबसे ज्यादा 75% मुसलमानों को मिला है। आज भी हमसे अगर पूछिए तो रामपुर के अंदर
आजम खान ने विकास नहीं कराया है। बिजली को जो के देते थे वो बिजली 24 घंटे नहीं थी, बिजली हम दे रहे हैं, हर जगह कटती थी। आज उसी के विकास की वजह से हमारे रामपुर में कमल का फूल खिलेगा। आकाश से सक्सेना आकाश से उतरे हैं और विराम की तरह विजय फतेह प्राप्त करेंगे। आपने यहाँ पर बहुत सारे चुनाव देखे होंगे, अनुभव आपका सबसे ज्यादा है। नवाबों का परिवार भी चुनाव मैदान में है और बीजेपी तो है ही, और आजम खान लड़ रहे हैं जेल से। अखिलेश यादव ने बयान दिया है कि आजम खान रामपुर के दिलों में बसते हैं, तो यहाँ उनको चुनाव प्रचार की जरूरत भी नहीं है। लगता है कि इतिहास बदल जाएगा इस बार? इस बार पक्का इतिहास बदलेगा। और जो उन्होंने विकास किया वो विकास के नाम से कुछ नहीं किया, बल्कि हिंदू और मुसलमानों का उन्होंने द्वेष किया है और उसमें उनको फायदा पहुँचा। जितना भी फ्री राशन है या फ्री कोई काम है सारा उनको ज़्यादा मिला है और वो लेके अपने घर पे बैठ जाते हैं। उनको ये नहीं चाहिए कि हमें कुछ सपोर्ट करनी है। उन्हें हमारी दी आकाश आएगा और आकाश कैबिनेट मंत्री बन के जाएगा, पूरे रामपुर का विकास करेगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपको भी उम्मीद है। उन्होंने भविष्यवाणी भी कर दी कि आकाशी बस मंत्री रामपुर में 1% उत्तर प्रदेश के अंदर जो पहले गुंडा राज था आज वो पूरी तरह समाप्त हो गई योगी जी के नेतृत्व में। और अखिलेश यादव किस तरह से जो कह रहे थे कल कि ईवीएम खराब हो गए, खराब हो गए, यानी कि सपा को बुखलाहट दिखाई दे रही है अपनी, ईवीएम खराब हो गया है, वो ईवीएम नहीं इनकी, ये खराब हो गए हैं। एक मैं आपको एक इतिहास बता दूं, कानपुर के बाद रामपुर का नंबर आता था। रामपुर में नवाब जुल्फिकार अली 22 इंडस्ट्री लेके आए थे सन 1960 में, जब ये आजम खान वो क्या कहते हैं वो लेबर मिनिस्टर बनाए, तब से इसके दिमाग में सोची मुझे रामपुर की सारी इंडस्ट्री बंद करनी है। ये चाहता लोग खाली गए, मेरे पीछे गए। एक जैसे एक इंसान को एक वो चाहिए होता, पिया को एक मंत्री को चाहिए होता, मुझे गुलाम चाहिए, उसे गुलाम चाहिए। बहुत नेगेटिव सोच वाला इंसान है वो, बहुत ही ज्यादा नेगेटिव सोच है। कहाँ सोचिए 22 इंडस्ट्री 1930 में, आज है 2022, एक भी इंडस्ट्री नहीं है गामपुर में। जो पिलिंग मशीनें थी क्या करके बंद कर दी कि आपके पास लाइसेंस नहीं है? आपके पास यूनिवर्सिटी खोलने का लाइसेंस था, आपने कहा कि पिलिंग मशीनें बंद करो, लाइसेंस नहीं है। आपके पास यूनिवर्सिटी खोलने का लाइसेंस था बिल्कुल। और रामपुर में रजा टेक्सटाइल थी, उसकी आजम खान के होटल की बिजली चोरी की थी, जो भाजपा सरकार में आके छापा मार के 29 लाख रुपए का बिल जो ये नहीं दे रहे थे। पिछले उपचुनाव में इनकी बीवी पर्चा जा रही थी भरने, तो हमारे डीएम अंजनी कुमार सिंह ने पहले 29 लाख दिया, बाद में लिए तब पर्चा बने। जो मिनिस्टर इतना बड़ा होके जो 40 साल से विधायक है और चोरी बिजली की चोरी अपने होटल में हम सफर में जला रहा है, तो आप एक हिसाब समझ लो उसकी नीयत क्या है। यूनिवर्सिटी के अंदर उसने गेस्ट हाउस बनाया, सड़कें बनाई, सब सरकारी पैसे से, सब सरकारी पैसे से। टोटल आज 108 केस उनके ऊपर लगे हुए हैं और 108 के 108 मुस्लिम भाइयों ने लिखवाए हैं। और वो जो उनका बेटा रो रहा है कि साहब मेरे पास जो है मेरे बाप के साथ जुलम करा गया और मेरे साथ ये करा गया, तो ये भी डर बताया कि मेरे को मेरा एनकाउंटर हो जाएगा। उनको एनकाउंटर हो जाएगा तो कोई बड़ी बात थोड़ी है, योगी जी तो गुंडों का एनकाउंटर कर ही रहे हैं। जो 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 गुंडे जितने बाहर हैं जभी तो वो जेल में बैठे हुए हैं, जमानत मांग रहे नहीं मिली। जितने गुंडे बाहर हैं वो तो खुद कह रहे हैं भाई साहब हमें अंदर डाल दो, योगी जी आ रहे हैं वो कर देंगे। गांधी समाधि से 108 मुकदमे जो इनके ऊपर लगे हुए हैं, जो इनके जो वो कह रहे हैं कि साहब हमारे मुसलमानों के वो लिखवाए हैं, हमारे ऊपर जुल्म करे हैं, टोटल मुकदमे मुस्लिम भाइयों ने लिखवाए हैं और योगी जी के सरकार में लिखे गए हैं। इनकी सरकार में किसी के अंदर ताकत नहीं थी, क्योंकि भाई कोई लिख ही नहीं सकता था, मंत्री थे, उप मुख्यमंत्री समझ लो इन्हें आप। और इन्होंने जितना जुल्म करा है सब रामपुर के मुस्लिम भाइयों पे ही करा। मुस्लिम भाई हमारे साथ हैं, बिल्कुल बिल्कुल देखते हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये बिजली चोरी और मुर्गी चोरी और भैंस चोरी ये तो बहुत बड़ी चोरी है और ये बहुत पुरानी चोरी करने की आदत है। ये सुंदरलाल स्कूल में पढ़ते थे, डॉक्टर अखलाक, लाला राम प्रताप और ये आजम खां एक ही लाइन में बैठते थे और वहाँ मार्किन के दो पजामे हुआ करते थे इनके पास में, वही पहन के घूमते थे, वहाँ से नएगंज पे चले आते थे। तो हमारे पिताजी की दादा की मूंगफली की दुकान थी और बहुत सारी मूंगफली के ढेर हुआ करते थे और जब ये आते थे तो मुट्ठी भर के जो थे चुपके से नजर बची और जेब में डाल के मूंगफली चुरा लेते थे, मूंगफली भी चुराते थे। तो आप देख सकते हैं कि
तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं का जोश एकदम हाई है और सबका दावा है कि नया इतिहास रचने जा रहा है। रामपुर को परिवारवाद से मुक्ति मिलेगी, रामपुर को आजम खान से मुक्ति मिलेगी। देखना होगा कि वाकई में 10 मार्च को जब परिणाम आते हैं तो आकाश सक्सेना ही यहाँ से विजयी होते हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, बाकी देश की खबरों के लिए बने रहे। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।